बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालु परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी महात्मा ने किसी जिक्र यानी जप का फजलियत यानी बड़ाई दिखाई है, किसी ने किसी और जिक्र की और दर्जा भी घटा बढ़ा कर रखे हैं, मगर हमारी समझ में तो सबका दर्जा बराबर सा है। ओंकार ही मुख्य बात है। किसी को कोई साधन आसान होता है, किसी को कोई है। सब जिक्र यानी साधन, जिक्र जुबानी, जिक्र कहबी, जिक्र सिरी, जिक्र रूहानी, जिक्र दवामी, जिक्र फनाफिल, मजकूर, इसमें से जो कोई किसी एक को करता है वह एक ही उसको मंजिले इंतहाई यानी परम पद तक पहुंचा देता है। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक रोज इरशाद हुआ कि ये सात बातें भी तालिबे खुदा यानी प्रभु के याचक को ध्यान में रखनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। पहला, दवाम उल वजूव यानी सदैव पाक साफ रहना। दूसरा, दवाम उल खिलवत यानी सदैव एकांत में रहना। तीसरा, दवाम उल सौम यानी सदैव व्रत में रहना। चौथा, दवाम उल राबत यानी उल कल्ब बाशेख, सदैव गुरु से मानसिक संपर्क बनाए रखना। पांचवा, तरकुल ऐतराज यानी आपत्ति भावना का त्याग करना। छठा, अली अल्लाह व अली शेख यानी प्रभु एवं गुरु का भक्त होना। सातवां, दवाम उल रजा बकजा अल्लाह ताला यानी प्रभु की इच्छा पर संतुष्ट रहना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परम दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।